जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ लेकर के आए हैं जिसमें हम कुल टेन प्राइवेट स्कूलों से आई हुई जो वैकेंसीज़ हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं सारी वैकेंसीज़ लेटेस्ट हैं और सेशन दो हज़ार के लिए वैकेंसीज़ हैं अच्छी वैकेंसीज़ है, है जहाँ पर पी की सैलरी आपको सेवन टू नाइन लाख पर एन देखने को मिलेगी पी टी की सैलरी सिक्स लाख पर एन बाकी कोचिंग एक्सपर्ट्स की भी वैकेंसी है स्कूल में ही जो कुछ भी जानकारी एक एक करके देख लेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल से भी वैकेंसी आई है तो सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम ये वैकेंसीज़ कवर करते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए तो चलिए वैकेंसीज़ देख लेते हैं देखिए सबसे पहली वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल आबू रोड से आ रही है ठीक है दिल्ली पब्लिक स्कूल आबू रोड जो कि आपका पढ़ता है राजस्थान में तो यहाँ से वैकेंसी आ रही है एडमिशन ओपनिंग शून ये तो उनकी एडवर्टीज़मेंट है बाकी देख लेते हैं हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट किन पोस्ट पे हैं फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 ठीक है 2024 2025, <k <k> जो कि स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2024 से जहाँ पर रिक्वायरमेंट है हेड की इसके बाद हेड में क्वालिफिकेशन देख लिया पोस्ट ग्रेजुएट एंड बी एड विद एट ईर्यस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन एन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल कुड बी डिजायरेबल लीडरशिप रोल इन अ लार्ज स्कूल विद ओवर टू थाउजेंड स्टूडेंट्स तो ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशन uh, मांगी जा रही है एक्सपीरियर मांगी जा रही है अब बात करते हैं टी जी टी की जिसमें इंग्लिश है हिंदी मैथमेटिक्स सोशल साइंस और साइंस इन सभी में आपकी टी में वैकेंसी है क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ आप या पोस्ट ग्रेजुएट हों विद बी एड डिग्री फ्राम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और फोर टू फाइव इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हो ऑफ सेकेंडरी क्लासेस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो सिक्स टू टेंथ का आपके पास चार से पाँच वर्षों का अनुभव हो किसी भी स्कूल में पढ़ाने का अगली जो वैकेंसी है वो पीआरटी के लिए है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग आर्ट एंड क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन डांस म्यूजिक एंड स्कल्पचर तो सभी सब्जेक्ट मिला करके साथ में इन सब्जेक्ट को भी ऐड कर दो तो ये सारे वैकेंसीज आपकी इस PRT लेवल पे है क्वालिफिकेशन फर्स्ट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मांगा गया है या पोस्ट ग्रेजुएट हो आप तो और अच्छी बात है विद बीएड डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड फोर टू फाइव ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आगे बात करते हैं एडमिन पोजीशंस में एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्यूटर सेविंग एंड पोजिस एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है तो ये सारी आपकी जानकारी है सैलरी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कंप्राइजिंग ऑफ कॉम्प्रीहसिविव रिज्यूम एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आबू रोड एन एच विलेज बारजा तहसील पिंडवारा डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान ठीक है तो यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है तो वो एप्लीकेशन आपको सेंड करना है कंप्राइजिंग ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूम एंड अ पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ठीक है विद अ कॉपी टू इन्फो एट द रेट आबू स्कूल डॉट कॉम विद इन टेन डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ठीक है तो आपको क्या करना है uh, uh, सबसे पहले तो आपको फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है फॉर्म उसे फिल करना है और बाई पोस्ट सेंड कर देना है स्कूल पे इस लोकेशन पे जो एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है इस एड्रेस पे बाई पोस्ट आप सेंड कर देंगे और एनवेलप पे क्लियर मेंशन करेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और इसके साथ साथ इसकी इसी सेम पीडीएफ की कॉपी आप इस मेल आईडी पर भी सेंड कर देंगे तो कोई फीस वगैरह नहीं रखी गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सॉटेश कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसी है बाकी अच्छे अच्छे स्कूल जो भी आई हुए हैं उनकी वैकेंसी भी देख लेते हैं अगली वैकेंसी देखिए जो कि आर ई डी ग्रुप ऑफ स्कूल से आ रही है जो कि चोचकवास झज्जर चरकी दादरी हरियाणा से आ रही है तो हरियाणा से यह वैकेंसी है जहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है फॉर वेरियस पोस्ट दोस्त इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इमीडिएटली तो इमीडिएट बेसिस पर यहाँ वैकेंसी है uh, और एनी टाइम अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सुड अपलाई फॉर दी फॉलोइंग तो इकतीस मार्च दो हज़ार चौबीस से पहले इमीडिएट बेसिस पे जो भी ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए वैकेंसी है जिसमें कोचिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है पी जी टी है टी जी टी है और नीचे पी आर टी भी उसे भी देखेंगे तो कोचिंग एक्सपर्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स फॉर आई आई टी जे के लिए एडवांस लेवल ओनली तो आई आई टी जी एडवांस के लिए जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इसके लिए वैकेंसी निकाली ग्रॉस सैलरी आपको 18 टू 30 लाख पर एन एम प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग एक्सपर्ट्स के लिए पी जी टी में बात करते हैं इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज पोलिटिकल साइंस ज्योग्रफी एंड कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है ग्रॉस सैलरी सेवन टू नाइन लाख पर एन एम प्रोवाइड किया जाएगा पी जी टी के लिए पी जी टी की बात करते हैं जिसमें इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस और मैथ्स है तो इसमें इसमें रुकार आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी सिक्स लाख पर एन बनने वाली है रेसिडेंस की बात करते हैं रेसिडेंशियल एकोमोडेशन अवेलेबल इन झूचकबाज कैंपस तो जो एकोमोडेशन लेना चाहते हैं उन्हें फ्री एकोमडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो स्कूल कन्वीनस फ्राम भिवानी बहादुरगढ़ रोहतक चरखी दादरी अवेलेबल तो इन लोकेशन से फ्री ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है कैंडिडेट शुड ईमेल देयर देर एप्लीकेशन विद बायोडाटा, फोटो एंड कॉन्टैक्ट नंबर एट द अर्लीस्ट टू द डायरेक्टर आर ई डी सोसाइटी चेकवास डिस्ट्रिक्ट झज्जर ठीक है तो आपको क्या करना है जस्ट ईमेल कर देना है अपना रिज्यूम जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ई मेल है करियर डॉट आर ई डी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं तो ये वैकेंसी आपकी आ रही है हरियाणा से तो अलग अलग लोकेशन से ये अच्छी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं इन्हें आप देख लेंगे और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लें ले, तो डिस्क, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ पर ये सारी वैकेंसीज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं जो कि चिनमिया विद्यालय वसंत विहार से आ रही है ये वाली वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली से है चिन्म्या विद्यालय वसंत विहार से ये न्यू दिल्ली से वैकेंसी है जहाँ रिक्वायरमेंट है पी मैथ्स की पी इंग्लिश टी जी सोशल साइंस ऑफिस असिस्टेंट और आगे है टी मैथ्स टी इंग्लिश टी पी टू द प्रिंसिपल इस इन छः पोस्ट पे वैकेंसी है सात पोस्ट पे ऑल दी अब पोस्ट रिक्वायर क्वालिफिकेशन एट पर सीएसई सी नॉर्म मिनिमम फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है फॉर पीजीटी पोस्ट एंड थ्री ईयरस एक्सपीरियंस फॉर टीजीटी एंड अदर पोस्ट ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन ऑन द स्कूल वेबसाइट स्कूल की वेबसाइट विजिट करनी है आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा उसे आप फिल कर देंगे एप्लीकेशन विद डिटेल सी वी एंड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ में ई टू तो आप ई भी कर सकते हैं अपना रिज्यूम ठीक है तो एच आर एट द रेट एप्लीकेशन और साथ में सी दोनों ही आपको मेल के माध्यम से भेजनी है तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है या फिर डायरेक्ट आप सीवी सेंड कर दें वो सही रहेगा एच आर एट द रेट चिनमे विद्यालय एच आर एट द रेट चिन वी वी डेली डॉट ए सी डॉट इन इस मेल आई पर आपको सेंड कर देना है ठीक है फिफ्टीन डेज के अंदर आप कर सकते हैं आज से पंद्रह दिनों के भीतर बिल्कुल आज की वैकेंसी है लेटेस्ट वैकेंसी है चिन्मे विद्यालय वसंत विहार न्यू दिल्ली से ये रिक्वायरमेंट है अच्छी वैकेंसी है चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं त्रिभुवन स्कूल से आ रही है दी त्रिभुवन स्कूल जो कि एप्लीकेशनस आर इन्वाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट विद रेलिवेंट पब्लिक स्कूल एक्सपीरियंस एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन स्किल्स रेलिवेंट टू द पोस्ट सबसे पहले प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है हेड की वैकेंसी है प्री प्राइमरी है प्राइमरी है, प्राम्री है और मिडिल एंड सीनियर ठीक है तो जो चार विंग होते हैं प्री प्राइमरी प्राइमरी मिडिल और सीनियर सभी में हेड मिस्ट्रेस के रिक्वायरमेंट है पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी है तो नोटिस कर ले लेंगे आप ऑल सब्जेक्ट्स में पीजीटी में रिक्वायरमेंट है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैन भी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट तो स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं रिज्यूम अलॉन्ग विद लेटेस्ट फोटोग्राफ मस्ट बी ई विद इन टू वीक्स तो दो सप्ताह के भीतर आप अपना रिज्यूम रे, लेटेस्ट पासपोर्ट पासपोर्टाइज फोटोग्राफ के साथ ई मेल कर सकते हैं दो हफ्तों के भीतर करियर एट द रेट द त्रिभुवन स्कूल डॉट कॉम इस मेल आई डी पर ठीक है पोस्ट अप्लाइड फॉर मस्ट बी मैं इन द सब्जेक्ट ऑफ द ई मेल ई मेल में आप क्लियरली मैंशन कर देंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो वैकेंसी है दी त्रिभुवन स्कूल से आ रही है जो कि आपका पटना में पड़ता है तो पटना से यह वैकेंसी है ठीक है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है अगली वैकेंसी देखिए जो कि राजकुमार कॉलेज से आ रही है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस वार्डन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स और साथ में टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर सीनियर एंड जूनियर सेक्शन ठीक है तो क्लास एलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है आप अपना डाटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़ के साथ सेंड कर सकते हैं इस ई मेल पर बी यू आर एस ए आर डॉट आर के सी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो इस मेल आई पर आप सेंड कर सकते हैं चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं ये देखिए विद्या देवी जिंदल स्कूल हरे हिसार से आ रही है ये भी वैकेंसी आपकी हरियाणा से है इंडियाज लीडिंग गर्ल्स रेसिडेंशियल ली स्कूल जहाँ पर इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर वैकेंसीज़ फैकल्टी की बात करते हैं पी जी साइंस में सॉरी इंग्लिश में वैकेंसी है पी जी साइंस एंड लीगल स्टडीज़ में, में वैकेंसी है पी टी मैथमेटिक्स में वैकेंसी है टी जी, जी फ्रेंच में वैकेंसी है पी कंप्यूटर साइंस है वेस्टर्न म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल डांस टीचर एथलेटिक्स कोच स्केटिंग टेबल टेनिस आर्चरी कोच इन सभी में वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी हैं काफ़ी सारे उसे भी आप एक बार देख लेंगे ठीक है तो इस तरह से ये टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं दोनों क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर सी बी नॉर्म्स मांगे जा रहे हैं कैंडिडेट्स विद प्रायर रेसिडेंशियल स्कूल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड तो जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इंटरशियल कैंडिडेट्स में सेंड देयर रिज्यूम मैंसनिंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक ठीक है तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ई के सब्जेक्ट में आप उसे क्लियरली मैंशन करेंगे ई मेल करना है आपको करियर्स एट द रेट वी डी जे एस डॉट ई डी यू डॉट इन लेटेस्ट पंद्रह दिसंबर दो हजार तेईस तक ठीक है तो हरियाणा से यह वैकेंसी है अगली वैकेंसी है डी वाली तो आपने देख ही ली चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं दि स्कूल से आ रही है ये आपको न्यू दिल्ली में पड़ता है ठीक है तो दि स्कूल से ये वैकेंसी आ रही है जहाँ पर इनराइटिंग एप्लीकेशंस फॉर दी एडमिशन काउंसलर एचओडी इंग्लिश को क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट विद बी एड एंड मिनिमम फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ बोर्डिंग स्कूल डांस टीचर टेनिस इंस्ट्रक्टर इन हाउस नर्स इन सभी की वैकेंसी है ठीक है सेमी फर्निश अकोमोडेशन और हाउस रेंट इन ल्यू पी एफ ग्रेचुटी फ्री एजुकेशन फॉर टू चिल्ड्रेन मिल्स फॉर सेल्फ ड्यूरिंग टर्म टर्म टाइम तो ये सारी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी सेवंथ पे अकॉर्ड स्केस uh, के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को सैलरी नेगोशिएबल होंगी अदर कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए वो कई इंटरव्यू चल रहा है तीन दिसंबर से दस दिसंबर के बीच में बिटवीन नाइन ई टू फाइव पी के बीच में ठीक है ई मेल है करियर एट द रेट दिमान स्कूल डॉट कॉम तो इन सभी पाँच पोस्ट में किसी के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं चलिए अगली वैकेंसी देखिए प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से आ रही है रिक्वायरमेंट है जे ई नीट के टीचर्स के लिए जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में वैकेंसी है पीजीटी में इंग्लिश फ़िजिक्स कंप्यूटर केमिस्ट्री और बायो अकाउंट्स फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स टी, टी में इंग्लिश साइंस एस कंप्यूटर साइंस साथ में कंप्यूटर साइंस मैथ्स हिंदी फ्रेंच और जर्मन टीचर रीजनिंग फैकल्टी की भी रिक्वायरमेंट है म्यूज़िक एंड डांस टीचर की वैकेंसी है पी में रिक्वायरमेंट है तो ये सारी आपकी वैकेंसी है फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल इज मस्ट ठीक है तो ई करना है आपको प्रज्ञान अंडर पी एस एट द रेट याहू डॉट सी ओ डॉट इन ठीक है इस मेल आई पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है या नहीं तो एक सेकंड मेल आई डी मैंसन किया हुआ है वैकेंसी एट द रेट प्रज्ञान पब्लिक स्कूल डॉट कॉम ठीक है तो ये वैकेंसी है ग्रेटर नोएडा में ये वैकेंसी है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी आ रही है अगली वैकेंसी जो कि लास्ट वैकेंसी है उसे देख लेते हैं एक बार एच ग्लोबल स्कूल से वैकेंसी है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ओपनिंग्स फॉर कोचेस एंड एकेडमिक टेबल टेनिस बिलिया स्केटिंग ओपनिंग्स फॉर एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर डांस म्यूजिक इंस्ट्रोमेंटलिस्ट और थिएटर फैकल्टी एट स्कूल टाइम जिसमें रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लाइब्रेरियन पी आर टी साइंस प्री प्राइमरी टीचर आर्ट टीचर इन सभी में वैकेंसी है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप बाकी करियर्स एट द रेट एच आर एम ग्लोबल स्कूल डॉट ई डी यू डॉट इन पर आप मेल भी कर सकते हैं अपना रिज्यूम ठीक है तो ये वैकेंसी एच आर ग्लोबल स्कूल से आ रही है लोकेशन है पीतमपुरा न्यू दिल्ली तो ये न्यू दिल्ली से वैकेंसी है तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट्स थी